एक साल पहले का वीडियो है जो निकला है यूट्यूब से निकला है और वो इसी तरह का सीन है अब ये कोइंसिडेंस है कॉन्स्पिरेसी है कल्यूजन है आ, देश जानना चाहता है और मैं मैं सवाल एक और पूछना चाहती हूं आ, जब पहली इसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप ही की आ, सहयोगी स्मृति रानी जी ने बीजेपी के आ, डायस से कहा कि खूनी इरादे थे कांग्रेस पार्टी के मैं आपसे पूछना चाहती हूं खूनी इरादे संकेत देता है कि यह प्री प्लानी थी क्या सरकार के पास इन तथ्यों की कोई भी एविडेंस है नविका जी ये सवाल मुझसे कल भी पूछा गया था और शायद क्योंकि मैं ट्रेन सिविल सर्वेंट मेरी बेसिक ट्रेनिंग एज ए सिविल सर्वेंट है आई एम वेरी कॉशियस विदर्ड आई यूज लॉ एंड ऑर्डर की जो बेसिक व्यवस्था थी वो नहीं की गई क्यों नहीं की गई अब लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लास ने ये निर्णय लिया था क्लास स्टेट लेवल इन द स्टेट लेवल दूसरा कि क्रिमिनल निग्लेक्ट था पर ये निगलेक्ट से थोड़ा ज्यादा था इसमें लगता है कि किसी ने यह निर्णय लिया कि यहां पे रैली नहीं होने देंगे और प्रधानमंत्री जी को भी आ, उनकी जो बेसिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है दे विल नॉट बी एड्रेस दिस इज पिक्चर दैट इमर्जेस नाउ वेदर दिस शोज की द इंटेंशन वॉज फॉर देम टू ब्रिंग हार्मा बिकॉज दोज वर्ड्स में दैट, आई डोंट नो आई डोंट नो बट एनी वन लुकिंग एट दोट ऑफ फैक्ट्स कुड पॉसिबली रीच दैट कंक्लूजन एंड इंक्वायरी इज बन अब अगर आप देखें अभी जो एविडेंस आ रहा है कि माउस्ट ग्रुप्स हैं clearly destabilization is part of their political agenda. that they are not averse to admitting that they were there to do the disruption is also there. i can't go beyond that. i think that's a question you should address to my senior colleague because uh, she has used those words, but maybe she has good reason to. i don't know.